हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग खड़े हुए हैं पाखमो के मलाह खरहर चौराहे पे। यहाँ पर दोस्तों गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे मलाह खरहर चौराहे से स्टार्ट होकर बेली चौराहे तक जाता है। तो आपको मलाह खरहर चौराहे पर कितना काम हो चुका है अब तक वो अपडेट देने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चौराहे का काम तो लगभग पूरा कम्प्लीट ही है, बाकी नीचे का हिस्से काम चल रहा है और काफी आगे तक ये गया हुआ है। तो आपको आज हम ये इस साइड लेकर चलेंगे थोड़ा आगे तक दिखाने के लिए कहाँ तक काम हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं ये आगे साइड दिखाने के लिए, आपको ये इधर आगे साइड दिखाने के लिए कितना काम हो चुका है अब तक। तो आगे चलते हैं, चले दोस्तों। ये हमारे गंगा एक्सप्रेस वे का जो पुल बन रहा है बेहद खास है हमारे प्रयागराज में। बेलू चौराहे से स्टार्ट होकर मलाह खरहर चौराहे तक मेन आया हुआ है, बाकी और आगे तक गया हुआ है, तो उसका ये सर्विस मेन है। तो दोस्तों आप लोग देख ले रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि मिट्टी डालकर कितना तेजी के साथ काम चल रहा है। मिट्टी डाला जाता है, फिर बराबर किया जाता है, फिर मिट्टी डाला जाता है ताकि भविष्य में कभी भी जो है फूल धसने का चांस ना रहे। चलिए आपको और आगे चलते हैं दिखाने के लिए कहाँ तक काम हो चुका है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे प्रयागराज में जो गंगा पुल का गंगा एक्सप्रेस का जो हिस्सा है काफी तेजी से काम चल रहा है, अपडेट कहाँ तक पहुंचा है उनको भी पता चल सके। दोस्तों रेड रोड बहुत ही ज्यादा खराब है जिसके कारण मैं स्लो स्लो चल पा रहा हूँ, अगर तेजी के साथ चलेंगे तो वीडियो खराब हो जाएगी। दोस्तों ये जो काम कर रही है यहाँ पे कंपनी, इसका नाम है एस पी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एस पी सिंगला इस पूरे ओवर ब्रिज को बना रही है। दोस्तों यहाँ पर जो ब्रिज में जो हिस्से लगाए जा रहे हैं वो यहीं पर तैयार होकर सब ब्रिज के पास जा रहे हैं, वहीं लगाया जा रहा है। दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं सामने जो रखा हुआ है पुल का हिस्सा जो बन के तैयार है, इसको यहाँ से ट्रकों के माध्यम से उठा कर लेकर जाया जाता है, उसमें लगाया जाता है बड़ी बड़ी मशीन के माध्यम से। ऐसे सिंगला कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है। माध्यम से बड़े बड़े जो गर्डर टाइप के बनाए गए हैं इसको रखा गया है यहाँ पे, और इसको जो है ये बड़े बड़े ट्रक में जो है लादा जाएगा। देखिए ट्रक, ये देखिए ये ट्रक में देखिए जिस हिसाब से लाद कर रखा गया है, देखिए इस तरह इसको ट्रक में जो है लाद लाद कर जो है ओवर ब्रिज के पास जो ब्रिज बन रहा है वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं और बड़े बड़े क्रेनों के माध्यम से उतारे जाते हैं। चलिए आपको और आगे दिखाते हैं कहाँ काम हो चुका है। और दोस्तों आप लोग ये जो देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ लगाए गए हैं, इनको इन ट्रेनों के माध्यम से उठाकर सामने वाले जो ब्रिज बन रहा है वहाँ तक लेकर जाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं सामने वहाँ जो ब्रिज बन रहा है सामने वहाँ पे ये 50 साइड एरिया देख रहे हैं बन रहा है, वहाँ तक लेकर जाते हैं। वहाँ देखिए जो बड़ी सी मशीन एक लगी हुई है वहाँ पर जो है उसके माध्यम से उठाकर लगाया जाता है। दोस्तों ये देखिए जो काम चल रहा है इसके ऊपर आज हम आपको चढ़कर दिखाएंगे जो है ऊपर कैसा लग रहा है देखने में हमारे गंगा एक्सप्रेस वे का ये हिस्सा। आइए चलिए आपको दिखाते हैं चढ़ने की कोशिश करते हैं, चढ़ पाते हैं या नहीं। चलिए दोस्तों
तो ये देखिए, ये रहा हमारे गंगा एक्सप्रेस वे के हिस्से का प्लेटफॉर्म। इसी पर गाड़ियां भरेंगी फर्राटा। तो यहाँ से जो है ये बना हुआ है, इसको उठा कर लेकर जाया जाता है। बाकी गंगा एक्सप्रेस का हिस्सा हमारा वो सामने रहा। जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।